नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडी लाइव परिवार पर। और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं भाई एडी एकेडमी में। स्वागत है आप सभी का, मैं रोहित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस छोटे से परिवार पर। जुड़ जाएंगे आप सभी लोग सेशन में और सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा ये तीसरा सेशन है हिंदी जो हम लोग कर रहे हैं सीटेट के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर आप हमारे साथ 15 प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़ते हैं और वहाँ पर आप गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को करते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। राधे राधे, हर हर महादेव, सलाम। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग सेशन में। कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ? कुमारी संगीता, नीरज, आशु, अंशु, अबू तालिब, किरण, रुखसार, सोनी, राजीव, सालू, सीमा, रिहा, गुंजन, अल्ताफ, नीतीश, प्रियंका, रितु, सीमा, स्नेहा, अंजलि, राजीव, गुंजन, अबू तालिब, सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाएंगे और बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सेशन लाइव हो चुका है भाई, आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप लोग क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग। हम बहुत बढ़िया हैं, आप लोग बताइए कैसे हैं। स्नेहा स्वागत है, अनामिका गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों का स्वागत है भाई, सेशन में जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे जी। क्लास को शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे। अगर आप लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे साथ हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट के लिए। चाहे आपका लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, या प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए बताइए आप सभी लोग कैसे हैं भाई, तैयारी कैसी चल रही है? अब तो दिवाली आ गई है आपके सर पर, तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आप लोग दिवाली की तैयारियों के साथ साथ अपनी भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपका पेपर जनवरी में है और दिवाली की छुट्टियां इतनी ज़्यादा मत मनाइएगा जिससे आपकी तैयारी बिगड़ जाए, है ना। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को स्वागत है सभी का। रितु, रानी, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग रानी, चलो आ जाओ भाई जी। अब की बार सीटेट पार। तो हम लोग बात कर रहे थे गद्यांश और पद्यांश की। हमने कल भी एक गद्यांश किया था और पद्यांश किया था, वहां पर आपने देखा कि आपने क्या क्या सीखा। और आज भी हम एक नया आपके सामने पैराग्राफ लेकर आए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को फिर उसके बाद करेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितना सीखा और आपने क्या क्या समझा जी। बिल्कुल, रुखसार का वेलकम है भाई, आपकी फ्रेंड रुखसार आई है अल्ताफ जी, तो रुखसार का वेलकम है और सभी का वेलकम है। रुखसार का क्या, सभी का वेलकम है भाई। चलिए आ जाइए भाई सभी लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एप्लीकेशन है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने प्ले स्टोर से। और यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे, आपको पैड बैचेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करें कहानी, शुरू करें भाई कहानी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई। तो अब आते रहिएगा और क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम इसको और फिर इसके प्रश्नों को करेंगे। पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसके अर्थ को और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रश्नों पर चलेंगे, है ना। चलो भाई, चलिए साहित्य देखो क्या कह रहा है कि साहित्य का आधार जीवन है। यानी कि जो साहित्य की बात करता है, लिटरेचर की बात करता है, जो अपना साहित्य है, जो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं या अपने साहित्य के बारे में जानते हैं, उसका क्या कह रहा है, वो जीवन का आधार है। किसका आधार है? जीवन का आधार है। पहली पंक्ति जो है उसको हम पढ़ने के बाद समझते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं और उसका सार क्या है, सारांश क्या है। बिल्कुल, 7 बजे से क्लास लाइव हो जाती है, 7 से 8 क्लास चलती है आपकी हिंदी की, ठीक है, 7 से 8 हिंदी की क्लास चलती है। क्लियर भाई? सनी राजपूत, राधे राधे भाई, बिल्कुल इसी टाइम पर क्लास चलेगा स्नेहा। रोहित साहू स्वागत है भाई। चलो, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं। यानी कि जो जीवन है, जीवन का आधार क्या है, साहित्य है। और इसी आधार पर क्या है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। किस पर? ये जो साहित्य का आधार जीवन है ना, इसी के यही उसका आधार है। साहित्य का आधार जो जीवन है, इसी आधार पर जो जीवन है और हम साहित्य के बारे में जो सीखते हैं, उस जीवन के द्वारा हमारा क्या कह रहा है, उसी पर उसकी दीवार खड़ी हुई है। उसकी अटारियां क्या होती हैं, छत होती है। अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है।
तो जो बुनियाद होती है ना, जो नींव होती है किसी भी मकान की या किसी भी ऐसी जगह की, जो बुनियाद होती है, चाहे साहित्य की अगर आप बुनियाद की बात करें या किसी भी चीज़ की बुनियाद की बात करें, तो या उसकी नींव की बात करें, तो वह क्या होती है? मट्टी के तरह दबी होती है, मट्टी के नीचे दबी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, तो ये जीवन जो है हमारा वह किसकी सृष्टि है? परमात्मा की सृष्टि है। और क्या कह रहा है? इसलिए सुबोध है। सुबोध मतलब होता है सुंदर, है ना, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमिति है। क्या है? मर्यादाओं से परिमित है, सुगम है, सरल है, सुंदर है, सुबोध है और क्या है? मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाब दे है। तो जीवन जो हमारा है, हम जीवन किस तरीके से जीते हैं, ये क्या मतलब एक तरीके से आप कहेंगे परमात्मा को जवाब दे है कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमने क्या गलत किया, क्या हमने सही किया, ये तो हमें नहीं मालूम है। इन पंक्तियों के माध्यम से वो आपसे कह रहा है कि ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो जवाब दे है वो साहित्य के लिए जवाब दे है। लेकिन जीवन जो है साहित्य मनुष्य के लिए सामने जवाब दे है, इसके लिए कानून है जिनके जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। अब क्या कह रहा है? मनुष्य जो है वह जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है कि हमें यहां से आनंद मिल जाए, हमें वहां से आनंद मिल जाए, और वह पूरे जीवन इसी तलाश में अपना काट देता है, गुजार देता है, उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है कि हमें आनंद की अनुभूति कहां से हो, हमें आनंद कहां से मिले। ठीक आगे देखते हैं पंक्तियां आगे क्या कह रही हैं। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में गुजार देता है। आगे कह रही हैं पंक्तियां, किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है। तो ये जो जीवन जो आनंद की है वो अनुभूति करना चाहता है, जो आनंद पाना चाहता है, तो किसी को तो आनंद कहां पर मिलता है? किसी को आनंद यह रत्न में मिलता है, है ना, किसी को यह आनंद किसी को यह चले तो किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ऐश्वर्य में मिलता है। यानी कि वह कह रहा है कि जो मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है ना, वह आनंद किसी को कहां पर मिलता है? कोई तो रत्न की आनंद मतलब प्राप्ति चाहता है कि उसको रत्न मिल जाए, उसको सोना मिल जाए, उसको पैसे मिल जाए, रत्न द्रव्य मिल जाए, तो उसमें वो आनंदित हो जाता है कि उसका जीवन सफल हो गया। कुछ लोगों को क्या होता है कि उनका परिवार भरा होना चाहिए, उनके परिवार में वो जब जाते हैं तो उस परिवार में पहुंचने के बाद उनको आनंद आता है कि हाँ हमें भाई यहाँ जीवन का असली मजा तो परिवार के साथ ही है। दूसरी बात कह रहा है किसी को भरे पूरे परिवार में, तो किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने बहुत अच्छा उनका मकान होना चाहिए, उनका घर होना चाहिए, आलीशान घर होना चाहिए, उसी में उनको आनंद मिलता है, उन्हें किसी रिश्ते से, उन्हें किसी परिवार के सदस्यों से, परिवार से, रत्न द्रव्यों से कोई मतलब नहीं होता। और किसी को ऐश्वर्य में मिलता है, बहुत जिनकी कीर्ति हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाए उसमें मिलता है। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, और जो लोग साहित्य के आनंद से जीते हैं, जैसे हमारे बहुत से कवि हुए, बहुत से लेखक हुए, उन्होंने साहित्य को ही आनंद माना और उसमें उन्होंने इतनी रुचि दिखाई, इतना उसके अंदर घुस गए, इतना लिप्त हो गए कि वही उनका पूरा जीवन हो गया। तो यही पंक्ति कह रहा है साहित्य का आनंद इस आनंद से बहुत ऊंचा है, उसका आधार सुंदर है और सत्य, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। तो वह कह रहा है कि जो वास्तव में सच्चा आनंद है ना, वह किससे मिलता है? वह सुंदर से मिलता है और वह सत्य से मिलता है। तो सुंदर और सत्य से जो आनंद मिलता है ना, वह वास्तव का आनंद होता है, वह आधार सुंदर और सत्य के वास्तव से, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना वही आनंद है, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। जो आनंद उत्पन्न होता है ना, वही साहित्य का उद्देश्य होता है। क्लियर? बताओ पैराग्राफ समझ में आया? पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? साहित्य का आधार जीवन है, आनंद के बारे में, अनुभूतियों के बारे में बात करिए उसने, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसके बाद अब इसके प्रश्न कराऊंगा मैं। जी रुखसार कह रही है क्वेश्चन नहीं होगा क्या सर? बिल्कुल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कैसे हो सकता है जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं? भाई क्वेश्चन तो यहीं से आता है ना। अब जो आपने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, यहां से आपको क्वेश्चन करने हैं, इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं, तभी जाकर तो आप देखेंगे कि जो आपने पैराग्राफ समझा है उससे प्रश्न बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। भाई सीटेट जब आपके सीटेट सर पर होगा और सीटेट के कुछ ही दिन बचेंगे, तब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। और मैं आपको अभी क्या है, अभी आपका बेस कंप्लीट कर रहा हूं, अभी आपको पैराग्राफ समझ, आपकी समझ विकसित हो जाए, आप चीजों को समझने लगें, आप चीजों को सोचने लगें, ठीक है ना,
तब जाकर आपको प्रश्न करने में मजा आएगा। और जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी ना, तब मैं ट्रिक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा किस तरीके से पेपर में करने हैं, और आप देखेंगे कि 15 के 15 आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे। आइए आइए लीजिए रुखसार, आपके लिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी के लिए प्रश्न आ चुका है। बताइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताओ प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार, किसके अनुसार, गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि क्यों क्यों भाई गहरा संबंध है बताओ। तो ये आपको बताना है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, उसका क्या कारण है। उसका कारण है जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है और जो साहित्य देता है, या साहित्य जीवन की सृष्टि है, या साहित्य जीवन का आधार है, साहित्य का आधार जीवन है, या साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। आंसर करेंगे आप सभी लोग और मैं देखूंगा किसने आंसर ठीक किया है। प्रश्नों की ज्यादा जल्दी थी आपको, तो बताइए अब आंसर कौन सही करता है। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या कह रहे हैं भाई रोहित साहू जी, रोहित साहू आप तो पुराने स्टूडेंट हैं भाई, बताओ आंसर करिए सभी लोग भाई। रानी का आंसर सी है, गुंजन का सी है, संगम सुमन का वी है, रुखसार ने सी दिया है, रोहित ने सी दिया है भाई, सभी का सी आ रहा है, अब सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, तो वहां पर पहली पंक्ति क्या कह रहा था कि साहित्य का आधार जीवन है, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो पहले का आंसर क्या हुआ, सी हुआ, और ये आपका उसने कहा भी था, आपके पैराग्राफ में इसकी चर्चा भी उसने करी थी। तो यहां तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो आप ये पंक्ति में कहा भी गया था ना, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, परमात्मा की खोज में, आनंद की खोज में, साहित्य की, या रत्न द्रव्यों की। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, दूसरे का आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, क्या होगा दूसरे का आंसर, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, मजा आता है भाई पढ़ने में, तो आप लाइक जरूर करिएगा, ये आपका दायित्व है। ये क्या है, ये आप अपने दायित्व का निर्वाह करिएगा, और हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, हमारा पढ़ाना आपको दायित्व है, समझाना आपको दायित्व है, और आपको सही दिशा दिखाना हमारा एक क्या है, कर्तव्य है, दायित्व है। आपका क्या कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि सेशन को बिना कहे लाइक करा करिए, और क्या किया करिए, शेयर करा करिए। इससे करने से क्या है, हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है भाई। आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हम आपको पढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सेशन को लाइक जरूर करा करिए, है ना। लाइक करने से हमें लगता है कि आप बिल्कुल बताएंगे भाई। रोहित जी आप तो हमारे साथ नियमित जुड़े रहे थे पहले भी, तो आप जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी, अच्छे नंबर आएंगे। हो सकता है कि पहली बार में चीजें हम अच्छी ना कर पाएं, बहुत बार होता है कि हम चीजें नहीं अच्छी कर पाते हैं, अपने मन मुताबिक चीजों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में हम उन चीजों को सुधारते हैं जो हमने गलतियां करी थी, और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलो, तो क्या है भाई, आनंद की बात करी गई थी, तो सभी लोगों ने बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर दिया है। तो बी वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग ठीक हैं, बी फॉर बलिया, बी फॉर बिहार, बी फॉर बनारस, जहां से भी आप हैं बी फॉर वो है आपका भाई, आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है और उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक, आज एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी भाई, एप्लीकेशन पर आज 4 बजे क्लास हुई थी, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर क्लास ली थी तो संधि चल रही है वहां पर, एक क्लास और संधि की बची है, उसके बाद आपका समास स्टार्ट हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताओ साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, या आनंद उत्पन्न करना। तो साहित्य का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप लोग बताइए। बिहार से हैं भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, बी फॉर बिहार, बताओ भाई साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी देखिए, जुलाई का एग्जाम छूट चुका है भाई रोहित साहू का, और साहू रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार, कोई बात नहीं रोहित, इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग, डी बता रहे हैं सभी लोग, डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही भाई, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आनंद की, आनंद उत्पन्न करना ही क्या है साहित्य का मुख्य उद्देश्य है, तो डी वाले जितने लोग हैं बिल्कुल सही हो आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है, तो वास्तव में सच्चा आनंद कहां से मिलता है जरा बताएंगे आप लोग। चलिए, तो वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है साहित्य व जीवन से, या भरे पूरे परिवार से,
या सुंदर व सत्य से या लंबे चौड़े भवन से? अब बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिएगा, क्योंकि वहां पर पंक्तियां कही भी गई थी ना। सबसे ज्यादा जो आनंद मिलता है, सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता मिलती है, वो कहां से मिलती है? सुंदर और सत्य से मिलती है ना भाई, सुंदर व सत्य से मिलती है, क्योंकि हमें सुंदरता और सत्य ये दो चीजें ऐसी हैं साहित्य के माध्यम से जहां पर हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। हैं भाई, शेयर करो सभी लोग। चलो, तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है क्या ए, साहित्य व जीवन से, और कुछ लोगों ने आंसर दिया है क्या सी, और कुछ लोगों ने बी आंसर दिया, और कुछ लोगों ने ए दिया, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आंसर क्या होगा? सी फॉर चेन्नई होगा, सी फॉर चेन्नई होगा। अब बताओ आप ऐसे गलत करोगे, प्रश्न में कहा भी गया था। देखो मैं आपको पैराग्राफ दिखाता हूं, मैं इसीलिए कह रहा था कि पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ। अब आप कहोगे सर बिल्कुल, हम इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। उसी आनंद, यहां नहीं लिखा है, ये लिखा है, उसका आधार सुंदर व सत्य, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर व सत्य से मिलता है। लिखो, लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो आपसे पूछा गया है वह पैराग्राफ में दिया गया है। तो पैराग्राफ में उसके आंसर होते हैं, हम आपको इसीलिए पहले पूरा समझाने का प्रयास करते हैं कि आप समझ जाइएगा और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करिएगा, तो आप गलत नहीं करेंगे, है ना। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्रश्नों की तरफ भागने का प्रयास करते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदर व सत्य से मिलता है। क्लियर हुआ भाई, डाउट क्लियर हुआ कि सर इसका आंसर ये क्यों होगा? ए अभी भी आप बता रहे हो, ए अभी भी बता रहे हो, कोई बात नहीं, गलत हो गया है। तो आ जाओ पांचवे का आंसर करिएगा आप सभी लोग, क्या है पांचवा, इसका तो सही करेंगे आप लोग। कह रहा है कि साहित्य के आनंद का आधार है, साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर व सत्य को पाना, या जीवन, ऐश्वर्य, या परमात्मा? अब आप बताइए क्या है, अब आप बताओ क्या है भाई। साहिबा सिद्दीकी, कहां जा रहे हो आप? साहिबा सिद्दीकी जी, लाइक करिए सेशन को भाई, लाइक करिए सभी लोग। तो इसका आधार क्या है भाई? सुंदर व सत्य को पाना, लिखा था ना, साहित्य का आनंद आधार क्या है? ए वाले। तो ए वाले जितने लोग हैं बिल्कुल सही हैं, ए वाले जितने लोग हैं बिल्कुल सही हैं। सुंदर और सत्य को पाना ही क्या है? साहित्य का आनंद का आधार है। सुंदर व सत्य को पाना ही साहित्य का आधार है, ठीक। तो भाई हिंदी व्याकरण का जो एडी सर के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हिंदी व्याकरण का 199 रुपए में बैच चल रहा है, और सीटेट का पैड बैच 399 रुपए में चल रहा है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है, हिंदी व्याकरण स्पेशल, हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है कितने में? 199 रुपए में मात्र। उसमें आपको हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, साहित्य पढ़ाया जाएगा, गद्य, और ये जो आपका पैराग्राफ है ये भी वहाँ पर डिस्कस होंगे, और आपकी व्याकरण पूरी होगी और शब्दकोश होगा। उसके बाद अगर सीटेट की बात करूँ, प्राइमरी और जूनियर, लेवल 1 और लेवल 2, तो इसकी आपकी फ़ीस रखी गई है मात्र 399 रुपए चल रही है इस समय। फीस तो 500 थी, लेकिन अभी कम करके 399 कर दी गई है। तो अगर आप ये दोनों बैच में से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई। पांचवें का आंसर ए हुआ, ए फॉर रेडी एकेडमी। आ जाइए, अब आते हैं अपने शब्दकोशों पर चलते हैं। व्याकरण का पोर्शन स्टार्ट होता है। हमने 5 प्रश्न किए, 5 प्रश्न हमारे कहां से थे? पैराग्राफ से थे। अब हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। देखो 5 जो 9 प्रश्न होते हैं उसमें से 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं, 5 से 6 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं गद्य से, डायरेक्ट पैराग्राफ से, और आपके 4 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं, 3 से 4 प्रश्न जो आपके व्याकरण के आते हैं। तो यानी कि व्याकरण का भी अहम रोल है भाई, एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो परिमिति का अर्थ क्या है? सीमित है, दबा हुआ है, विस्तृत है, या फंसा हुआ है? जल्दी से आप लोग बताएंगे परिमित से आप क्या समझते हैं। देखिए परिमित से क्या समझते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। संख्या बढ़ाइए भाई, संख्या बढ़ाइए, बड़ा कम है संख्या आपकी। सीमित, तो परिमिति का अर्थ होता है सीमित। क्यों भाई? सीमित ही होगा, क्योंकि भाई कोई चीज परिमिति कर ली आपने, उसको सीमित कर लिया, उसको क्या कर लिया? सीमित कर लिया, उसको बांध दिया, उसको क्या कर दिया? एक तरीके से लिमिटेड कर दिया। तो दबा हुआ, दबा हुआ नहीं होगा, विस्तृत तो उल्टा हो जाएगा इसका, फंसा हुआ भी नहीं होगा। क्या होगा? ए फॉर रेडी एकेडमी इज द राइट आंसर। तो ए वाले जितने लोग हैं सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है आनंद का समानार्थी। तो आनंद का समानार्थी बताना है, यानी कि समान अर्थ प्रदान करने वाला। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ, है ना। तो आनंद का जो अर्थ है वही इसमें से एक किसी का अर्थ होगा। क्या है? जीवन, खुशी, साहित्य, या परमात्मा? आंसर बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से। सातवें का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सातवें का आंसर ठीक करते हैं। नंबर डाल के बताइए कि सर सातवें का आंसर ये होगा। बी बता रहे हैं सभी लोग, वी खुशी होता है, वी बता रहे हैं आप लोग।
चलिए बिल्कुल आनंद होता है, जो अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो आप खुशी हैं, इसका मतलब क्या है, खुशी है। ठीक, तो क्या होगा, बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। तो बी वाले सभी लोग सही हैं, और इसके अतिरिक्त अगर किसी ने उत्तर कोई दिया है तो भाई गलत है। बिल्कुल पढ़ाई जाएगी भाई, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आपका जिम्मा लिया गया है सीटेट का तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ आपको, CDP पढ़ाई जा रही है, मैथ की 12 बजे क्लास होती है, मैथ की 12 बजे क्लास होती है आपकी यूट्यूब पर, तो सारी चीजें आपको मिलती हैं। आइए सुबोध का विलोम बताइए क्या होगा, सुबोध का विलोम क्या होगा। देखो सुबोध का जो अर्थ होता है ना, जिसे सरलता से जाना जा सके, जिसका बोध हो बहुत आसानी से, जिसको हम बोध कर लें, बोध मतलब होता है जानना, तो जिसे सरलता से जाना जा सकता हो। अब इसमें से क्या निर्बोध होगा, दुर्बोध होगा, कुबोध होगा, या विचलित होगा, बताओ क्या होगा, तो बताओ इसमें से क्या इसका आंसर होगा। चलिए बहुत शानदार, सेशन को लाइक करते रहिए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, सी बता रहे हैं आप लोग, कुबोध होगा, गलत बता रहे हो भाई, क्या होगा, दुर्बोध होगा, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, उसका अर्थ क्या होता है, दुर्बोध। अब भाई दुर्बोध है जिसे भाई सरलता से ना जाना जा सके, अब विचलित का क्या विलोम होगा, अविचलित होगा, क्या होगा, अविचलित होगा, ठीक, अविचलित हो जाएगा, विचलित का क्या हो जाएगा, अविचलित हो जाएगा। क्लियर भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है ना, बाकी मेरी तरफ तो ठीक चल रहा है भाई, आप लोग देख लीजिए, अपने नेटवर्क सही कर लीजिए। क्लियर हुआ ना, तो क्या होगा, दुर्बोध होगा, निर्बोध नहीं होगा, दुर्बोध होगा, सुबोध का दुर्बोध विलोम आपको आने चाहिए। आइए अब देखो, मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी ना, उसी तरीके का ये यहां पर आपसे पूछा गया है, यानी कि आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने में समझ में आ जाएगा। आ जाओ, क्या कह रहा है, लंबे चौड़े भवन, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े का व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये लंबे चौड़े जो दिया गया है, ये लंबे चौड़े भवन, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, क्या है, ये पूरा सेंटेंस है मेरे भाई, लंबे चौड़े भवन में। अब क्या है, लंबे चौड़े क्या है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है, बताओ क्या है, अब बताओ क्या है, अब बताइए क्या है इसका आंसर। आपके आंसर देख लेते हैं, बहुत से लोग ए दे रहे हैं, बहुत से लोग डी दे रहे हैं, नाम ले लूं, चलिए नाम लेता हूं मैं, रानी ने दिया है डी, रानी यादव जी आपने डी दिया है, अनामिका सिन्हा जी ने डी दिया है, ऋतुराज ने ए दिया है, अर्चना कुमारी ने डी दिया है, गुंजन ने इसका आंसर डी दिया है, ज्योति ने डी दिया है, नामिका सिन्हा ने डी दिया है, रितु ने डी दिया है, सभी ने डी दिया है भाई। सी वाले कौन है, पंकज उदास, भाई पंकज क्या आप उदास होकर पढ़ रहे हो, तो अभी आप आंसर गलत कर रहे हो, समझने का प्रयास करो मेरे भाई, कल अगर आप क्लास में थे तो आपने आंसर गलत नहीं करना था। चलिए मैं अब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखो संज्ञा पहले समझ लेते हैं, हमने बताया था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है, और किसी भी कोई भी नाम है, चाहे आपका नाम हो, चाहे किताब का नाम हो, चाहे आप जिस मोबाइल पर देख रहे हैं मोबाइल कहें आप, कुछ भी आपके सामने जो भी नाम होते हैं संपूर्ण जगत में, उनको नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी कार्य के होना पाया जाए, कोई कार्य कहीं पर हो रहा है उसको ही क्रिया कहें, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या क्रिया कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी कार्य किया जा रहा हो, कार्य का होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है। अगर विशेषण की बात करूं मैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, क्या बताता है, इसको आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता, यानी कि विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता बताना, किन्हीं शब्दों के माध्यम से, किसी शब्दों के माध्यम से वो किसी ना किसी की विशेषता को बताएगा, और जब विशेषता बताएगा तो वहां पर क्या होगा भाई, या तो संज्ञा, और किसी के नाम की अगर विशेषता बता रहा है तो वो संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है क्या होता है, विशेषण होता है। अब क्रिया विशेषण की बात करूं मैं, तो जो क्रिया विशेषता बताता, क्रिया की विशेषता बताता है, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वह क्या है, वह क्रिया विशेषता है, क्रिया विशेषण है, ठीक। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो भवन की बात करी गई है, भवन की बात करी, तो भवन क्या है भाई, संज्ञा है।
अब संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि भवन कैसे हैं? भवन है लंबे और चौड़े। कैसे हैं मेरे भाई? लंबे चौड़े भवन हैं। यानी कि जो लंबे चौड़े दिया गया है, ये क्या दिया गया है? विशेषण दिया गया है, भवन की विशेषता को बता रहा है। और जब कहीं पर कोई विशेषता बताई जाती है, किसी की विशेषता बताई जाती है, तो विशेषण होता है। तो विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। बाकी जब मैं विशेषण आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर प्राविशेषण भी आता है, क्रिया विशेषण भी आता है। तो ये सारी चीजें बहुत डीप में डिस्कस करूंगा। और वो कहां पर होंगी? वो व्याकरण की क्लास में होंगी मेरे भाई। एप्लीकेशन पर क्लास चलती है वो, है ना। तो जिन लोगों ने आंसर सी दिया था वो गलत है, पंकज जी आपने सी दिया था, आपका गलत है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया था वो भी गलत है। आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अब आप लोग बताइए मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, अब बताइए 9 में से कितने आंसर ठीक किए हैं? 9 में से आप लोगों ने कितने आंसर ठीक किए हैं? जल्दी से कमेंट करो, 9 में से कितने आंसर ठीक किए हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने पद्य पर। बताइए भाई, 7 किए हैं किसी ने, 4 में से 4 करिए हैं, 9 में से 9 गुंजन ने किए हैं, रानी आपने किए हैं 7, रानी यादव जी आपने 7 किए हैं, और रोहित साहू ने 6 किए हैं 7 में से, प्रियंका पांडे ने 8 कर दिए हैं। कितने बजे क्लास चलती है राधिका? क्लास चलती है 7 बजे से, ठीक है। किरण ने किए हैं 7, गुंजन ने 9, रितु ने 8 किए हैं, अर्चना ने 7 किए हैं, और प्रियंका पांडे ने 8 किए हैं, अर्चना कुमारी ने 7 कर दिए, नुपुर ने 7 किए, अनामिका ने 8 किए हैं। सीडीपी का क्लास इस क्लास के बाद चलता है। चलिए, तो आपको मेरे हिसाब से जो पैराग्राफ था उसके प्रश्न थे, जो एक दो प्रश्न जिन लोगों ने गलत किए हैं ना, कुछ लोग 7 वाले हैं का 8 वाले हैं, मैं उनको बताऊं कि आप थोड़ा फोकस किया करिए, आप थोड़ा पढ़ा सीरियस मोड में करिए। जब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूं ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको व्याकरण नहीं आ रही है तो फिर व्याकरण सीखिए। अगर आप सिर्फ व्याकरण नहीं, आपको व्याकरण की वजह से दिक्कत होती है, तो आप व्याकरण की बैच भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं, तो आप सीटेट का अगर बैच ज्वाइन किए तो उसमें मैं जो सीटेट के टॉपिक हैं वो पढ़ा दूंगा। चलिए, और यहाँ पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ही समय है। तो प्रैक्टिस आपको कराता हूँ, जिससे प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं अल्ताफ, आ जाओ, अब इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो, बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं यहां पर। ये आपका क्या है? ये आपका दिया गया है पद्य, इसको पद्य भी कहते हैं, इसको पद्यांश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको काव्यांश भी कहते हैं। किसी भी नाम से इसको हम जान सकते हैं, और ये आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, है ना। 9 नंबर के वो आते हैं, 6 नंबर के ये आते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने 8 किए हैं, 7 किए हैं, वेरी गुड। चलो, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है। अब जीवन में कोई परेशानियां हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसी के बारे में यहां पर पंक्तियां दी हैं। कवि की यहां पर कल्पना है, कवि ने अपने माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कहा है, बताया है, आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक। क्या समझा रहा है भाई? हम भी समझ लेते हैं कवि की भावनाओं को। देखो, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है। यानी कि जीवन में आपके भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत से लोग कभी मिले होंगे, बहुत सी चीजें आपके जीवन में आपको मिल जाती हैं समय पर, बहुत सी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें दुख नहीं करना चाहिए, है ना। वही कभी कह रहा है, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, सबके साथ होता है, ऐसा आप नहीं है। जब आपके पास से कोई आपका अभिन्न हिस्सा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत प्रिय हो, है ना, जो बहुत प्रिय हो, वो आपसे दूर हो जाए, या ऐसी कोई वस्तु जो आपको बहुत प्रिय हो, या ऐसा कोई चीज आपके जीवन में हो जाए, आपके बहुत सगे संबंधी ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी क्षण छोड़कर चले जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि क्या जीवन में मेरे साथ ही ऐसा होना था। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके जीवन में ऐसा होता है कभी ना कभी। छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, ये सत्य है। और जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डर कर संध्या के सुंदरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना छोड़ जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। इस पंक्ति का माध्यम यह है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही हैं, आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत करी,
और आपने मेहनत करी और एक दो नंबर से आपका सीटेट रुक गया और बीपीएससी में आपका नहीं हो पाया, बीपीएससी के लिए आप इलिजिबल नहीं हो पाए। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हमारे थे जो बीपीएससी जो हुआ था प्री वाला, जो आपका बीपीएससी पॉइंट वन हुआ था, उसमें उन्होंने बीपीएससी तो क्लियर कर लिया लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कभी आपके पास आती हैं और कभी आपसे दूर चली जाती हैं, और इस पंक्ति का माध्यम आप समझेंगे। लेकिन इससे डरकर हम संध्या के सुंदरी प्रकाश में मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़ा ना बंद कर देंगे। यानी कहने का उसका अर्थ यह है कि अगर हमारे मन मुताबिक भगवान हमको कुछ नहीं देता, ईश्वर हमको कुछ नहीं देता, तो क्या हम तुलसी के नीचे दिया जलाना बंद कर देते हैं? जो मंजरी तुलसी होती है फलित होती है, फलफूली होती है, आपको देखा होगा मंजरी तुलसी होती है जिसमें फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, नहीं मंजरित होती है जो तुलसी, आपने तुलसी के फूल देखे होंगे वो उसमें पुष्प होते हैं, वो होती है मंजरी तुलसी। तो मंजरी तुलसी के नीचे क्या आप दिया जलाना छोड़ देते हैं अगर आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होती? अगली पंक्ति में कह रहा है थोड़े ही बंद किया जाता है, भगवान बात सुने ना सुने तो मंदिर तो भी मंदिर तो मंदिर ही है। अगर भगवान आपकी बात को नहीं सुनते तो क्या मंदिर मंदिर नहीं रहेगा क्या? क्या सारी चीजें आप भूल जाएंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे? उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने पर भी अपने मार्ग में अंधेरा फैलाता है। यानी कि अगर आपके मन मुताबिक सारी चीजें नहीं हो रही हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं दिया तुलसी के नीचे नहीं जलाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, सारी चीजें आप छोड़ देते हैं, जीवन को जीना ही पसंद नहीं करते हैं, तो क्या है? तो कह रहा है वह तो घर लौटने पर भी अपने मार्ग में अंधेरा फैलाता है। तो आप अपने मार्ग में अपने आगे जीवन जो आपका फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, उसमें अंधकार फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंधकार फैला रहे हैं आप जी। नेट आपका स्लो होगा, आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी यहां से तो सब कुछ ठीक है। तो इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि आप अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत सी चीजें आपके पास आती हैं, बहुत सी चीजें चली जाती हैं, उनके दुख में उनके शोक में आप जो आपका जीवन है उसको जीना थोड़ा ना छोड़ देते हैं, आप भगवान के प्रति आस्था थोड़ा ना बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आगे आने वाले जीवन में अंधकार को फैला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अंधेरा कर रहे हैं। अपने अपने पग पर, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर क्या कर दे रहे हैं? अंधेरा फैलाते हैं आप, है ना? बताइए, पंक्तियां समझ में आई? पंक्तियां और इसका आशय समझ में आया है तो हम क्या करते हैं, इनके प्रश्नों को कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इनके प्रश्नों को कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई प्रश्न देखिए, दसवा प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है। पहला प्रश्न है ये पद्यांश का, बताइए क्या कहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद राधिका। रुखसार समझ में आया आपको, चलिए अच्छी बात है। अब देखो भाई इसका क्या होगा, करेंगे आप सभी लोग आंसर करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन में प्रायः खाली स्थान घटनाएं होती रहती हैं। कैसी घटनाएं होती रहती हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। कैसी? लुटने और लूटने की, आने और जाने की, कुछ मिलने और छिन जाने की, या भूलने व याद करने की। बताइए क्या कहा गया था पैराग्राफ में, पैराग्राफ में क्या कहा गया था? चलिए बहुत शानदार, सी आंसर आप लोग बता रहे हैं, कुछ मिलने और छिन जाने की, बिल्कुल। तो क्या है, जीवन में ऐसे प्रायः होता ही रहता है, ऐसी घटनाएं सबके साथ होती हैं। आप अपने आप को स्पेसिफिक मत समझिएगा कि जीवन में भगवान ने सिर्फ आप ही को दुख दिए हैं। मेरे भाई अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख जरूर आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। अगर आपके पास से कुछ चला गया है तो उससे बेहतर आपकी जिंदगी में आएगा। जैसे कि अभी क्या हुआ कि बहुत से लोगों को बीएड वालों को बीटी उससे प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो अगर एक रास्ता बंद होता है ना तो भगवान दूसरे रास्ते को खोल देते हैं, और वही आपको क्या करना है, बस पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चले जाना है। खुद ब खुद सारी मंजिलें, सारे रास्ते आपके बनते चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ मिलने और छिन जाने की क्या है, घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी सुख है तो कभी दुख है, कहीं छांव है तो कहीं धूप है, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। आपको जीवन में भी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको सीखना है। अब देखो मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है, मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है? और मैंने आशय आपको समझाया था, मंजरित का मतलब क्या होता है, मंजरित का क्या मतलब है, मैंने समझाया था तुलसी को हरा भरा रखना, या जीवन को जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, या दिया जलाकर पूजा करना, या भजन कीर्तन करना। और बहुत अच्छी बात कही गई है ये, इस बात से आप अपने जीवन में भी बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, क्योंकि आप जब मैच्योर हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आप जिम्मेदार हो रहे हैं, आपके ऐसे ऐसे भी लोग यहां पर होंगे जिनको अपनी घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी, तब परिस्थितियां बहुत बदलती हैं और बहुत सारी चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं।
आपके जो आपसे ऊपर जो आपके जो गार्जियन थे वह आपको छोड़कर चले जाते हैं, उनका पूरा जिम्मा आपके सर पर आ जाता है, फिर आपको परिस्थितियां झेलने में बड़ा दिक्कत होती है। तो आप तैयार रहेंगे जीवन में हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखेंगे, जो आपके ईश्वर हैं, जो अल्लाह है, कोई भी भगवान है, किसी भी तरीके से आप जो ईश्वर को पूजते हैं उनके प्रति आस्था रखेंगे और अपने अंदर क्या रखेंगे, एक विश्वास रखेंगे कि जीवन में सबके प्रॉब्लम होती है, हमारे भी है, हम भी आगे निकलेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। भाई अगर आप असफल भी हो जाते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये असफलता आपको रोक नहीं सकती है, और सफल व्यक्ति अगर जो है और असफल होकर सफल हुआ है तो वो बहुत बेहतर है उस व्यक्ति से जो एक बार में सफल हो जाता है। क्या कह रहा है कि जीवन में हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखने का ही मतलब था मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय। क्लियर? चलिए बी वाले जितने भी लोग हैं, बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। आइए तो घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है आपको ये बताना है। जब आप घर लौटते हैं इस पंक्ति के माध्यम से क्या आपको कभी कहना चाहता है, घर जाने वाले रास्ते को या घर जाने वाली गली को या सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को या निराशा और हताशा को। तो घर लौटने का मार्ग किस मार्ग को कहा गया है जल्दी से आप बताएंगे। चलिए आंसर करिएगा भाई सभी लोग शानदार तरीके से, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए 12 का क्या कह रहा है, घर लौटने के मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है, घर जाने वाले रास्ते को बिल्कुल नहीं। भाई घर जाने वाले रास्ते की क्या बात हुई, घर जाने वाली गली को, गली जब रास्ते की बात नहीं तो गली की कहां सुखी, निराशा और हताशा को बिल्कुल नहीं। क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को जीना ही क्या है, क्या है भाई, विश्वास रखना है हमें, हमें विश्वास रखना है तभी तो हम अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। चाहे किसी के ऊपर विश्वास हो, भगवान के ऊपर विश्वास, अपने ऊपर, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। क्या कह रहा है, अंधेरा फैलता है का आशय क्या है। तो अंधेरा फैलता है निराशा भरा जीवन, कम रोशनी वाली रात, अधिक अंधेरा हो जाना या अंधेरे का विस्तार हो जाना। अब बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो अंधेरा फैलता है ना, तो सी बता रहे हैं आप लोग भाई, गलत बता रहे हो। 12 का सी बता रहे हो बिल्कुल, 13 का बताइए, पीछे चल रहे हैं आप लोग, 13 का बताइए, बताइए भाई 13 का ए, बिल्कुल सही। 13 का जिन लोगों ने ए फॉर एडी एकेडमी बताया है बिल्कुल सही बताया है, निराशा भरा जीवन, अंधेरा फैलता है यानी कि जीवन में निराशा हो रही है। अंधेरा नहीं फैलाना है भाई, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। आइए अब यहां पर आपसे मूल शब्द और प्रत्यय की बात करी गई है, मूल शब्द और प्रत्यय की हमने भाई आपको, हमने आपको एप्लीकेशन पर, हमने आपको एप्लीकेशन पर प्रत्यय पढ़ा दिया है, एप्लीकेशन पर प्रत्यय पढ़ा दिया है, प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने भाई उन क्लासेस को नहीं देखा है देख लीजिएगा, बाकी अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच भी परचेज कर सकते हैं। मंजरित शब्द में मूल शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। देखो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द का अर्थ होता है, और मूल शब्द के पूर्व में जो लगता है वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। मूल शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगता है और मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, यानी कि आपको मूल शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द हो जाएगा, मंजरी धन ता, मंजर धन इत, मंज धन रित या मंजरी धन इत, क्योंकि हमने प्रत्ययों के बारे में भी चर्चा करी थी, कृदंत प्रत्यय होता है, त्वदित प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय से बनते हैं, जो कार्य जहां पर क्रिया का साथ कोई लग जाती है, क्रिया के साथ प्रत्यय लगता है तो वहां पर कृदंत प्रत्यय। चले तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, है ना, ये सारी चीजें आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। चले तो इसका क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग, इसका आंसर होगा डी। तो डी वाले जितने लोग हैं सभी सही हैं भाई, डी वाले सभी सही हैं, क्योंकि इत प्रत्यय लगा है और मंजरी इसमें क्या है, मूल शब्द है। मंजरी, मंजरी कोई मतलब नहीं होता, मंजर नहीं होता, क्योंकि इत लगा है, यहां पर ता लगा है, और मंज धनरित ये भी नहीं होगा। मंजरित का जो असली यहां पर शब्द बनेगा, मूल शब्द मंजरी, और धन इत प्रत्यय लगाकर मंजरित हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है वह आपसे कि संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित भाव में, रेखांकित वाक्य में भावाभास क्या है, बताओ। तो ये पूरा जो है ये रेखांकित है संध्या के सुंदरी प्रकाश में। तो
अब इसका भाव क्या है? भाव का मतलब ये है कि ये क्या पंक्तियां जो हैं वो आशावादी पंक्तियां हैं, निराशावादी हैं, कहीं हम तुलना कर रहे हैं, या क्या अनास्थावादी पंक्तियां हैं, या इसमें आस्था ही नहीं है? तो अब आपको बताना है संध्या के सुंदरी प्रकाश में। तो जब संध्या मतलब होता है क्या? रात। संध्या मतलब क्या होता है? रात। अब रात जो होती है या संध्या होती है, शाम होती है, इसमें जो क्या है? सुंदरी प्रकाश है। तो संध्या में ही, रात में भी अगर प्रकाश का कार्य कुछ कर रहा है तो वह क्या है? वह तो आशा की बात है ना। अगर रात में एक जुगनू भी चमकता है तो वह आशा का प्रतीक है। तो क्या यही बात यहां पर कही गई है कि जो संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास क्या है? तो भावाभास क्या है? ए फॉर एड एकेडमी, आशावादी भाव है यहां पर। क्या है? आशावादी भाव है, क्योंकि भाई एक अगर जुगनू भी जलता है रात में तो वो भी आशा की किरण होती है। एक छोटा सा दिया कहीं दूर दिखता है, आप जा रहे हैं अंधेरे में रात में, कहीं विचलित आप जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या कहीं चले गए हैं, आप खो गए हैं, वहां पर आपने देखा छोटी सी कहीं से रोशनी निकल रही, तो वो भी क्या है? वो आशा की बात करता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर, सभी को समझ में आया? भाई बताइए 15 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने ठीक किए? चलिए, तो 15 में से कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक किए? साथ ही साथ मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले अग्रिम में आगे ही दे रहा हूं, एडवांस में दे रहा हूं। भाई सभी के जीवन में दीपों की तरह एक तरीके से उजाला हो, आप सभी लोग चमकें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और बहुत अच्छी तरीके से सुभाशीष है हमारी तरफ से, इस परिवार की तरफ से। ठीक है, आप बढ़िया से एंजॉय करिएगा, सेलिब्रेट करिएगा दिवाली का, और पढ़ते जरूर रहिएगा, पढ़ाई भी करते रहिएगा और सेलिब्रेट भी करिएगा। ठीक, चल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।